Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के अंदर हम लोग पासवर्ड को चेंज कैसे करें। देखिए यार, इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, लेकिन यार उसके अंदर हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को विद प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। गाइस आप प्ले स्टोर के अंदर आते हो, आपको पेटीएम सर्च करना है। सर्च करने के बाद में गाइस आपको अपने पेटीएम को अपडेट कर लेना है। ठीक है, आपका पेटीएम अपडेट होना चाहिए। गाइस जैसे आप अपडेट पेटीएम को अपने ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल का स्क्रीन लॉक मांग रहा था गाइस, मैं उसको दे देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद में गाइस देखिए करना क्या है। गाइस देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर दें, उसके बाद में आपको क्या करना है, थोड़े से ऊपर करना है। ठीक है, आप जैसे थोड़े से ऊपर करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। देखिए गाइस, मैं आपको बता दूँ। ओके, लेकिन गाइस देखिए, अगर मैं यहाँ सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो गाइस ये मेरी डिस्प्ले ब्लैक हो जाएगी। क्योंकि गाइस आप लोगों को सभी को पता है कि पेटीएम ने अपने सिक्योरिटी के लिए मतलब यहाँ पर कुछ अपने ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि यार हाइड कर दिए हैं। गाइस हो सकता है अभी एक बार मैं स्क्रीनशॉट लेके दे मतलब ठीक है यहाँ पर का मतलब स्क्रीनशॉट लेके देखा था मैंने, कहीं ऐसा तो नहीं यहीं पर मतलब ब्लैक डिस्प्ले रिकॉर्ड हो रही हो। गाइस अगर मैं सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ब्लैक डिस्प्ले नज़र आएगी। गाइस चलिए, सबसे पहले मैंने इस पेटीएम को अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ओपन करके रखा, मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अभी मैं पेटीएम को अपने क्रोम ब्राउज़र वाले पेटीएम को ओपन करता हूँ। गाइस आपको यहाँ पर चेंज पासवर्ड का जो ऑप्शन है ना गाइस ये आपको वहाँ पर भी मिलेगा। देखिए मुझे पता मतलब वहाँ पर डिस्प्ले ब्लैक हो गई थी, मैंने क्लिक किया था जैसे ही, ठीक है, तो डिस्प्ले ब्लैक हो गई पेटीएम की सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन लोगों ने क्या मतलब वहाँ पर क्या है, वीडियो को डिसलाइक करना भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन अच्छी बात तो मुझे एक और लगी कि पहले मेरे उस वीडियो के ऊपर 75 डिसलाइक थे और उसके बाद में मतलब सिर्फ 40 ही डिसलाइक रह गए, यानी कि 20 से 25 लोगों ने मतलब 35 लोगों ने करीबन डिसलाइक करने के बजाय मतलब लाइक कर दिया, यानी कि उन्होंने बदल दिया जब मैंने पोस्ट में डाला कि भाई ऐसे ऐसी बात है। ठीक है, तो गाइस यार आपको क्या करना है, ठीक है, तो गाइस यार ठीक है, आप जैसे ही सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं, देखिए फिर से हो सकता है डिस्प्ले ब्लैक हो जाए। गाइस मैं जैसे ही सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूं तो हो सकता है कि डिस्प्ले यहां पर ब्लैक हो गई हो। गाइस आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से सुनना है, आपको स्क्रॉल डाउन करना है। आप जैसे नीचे करते जाएंगे गाइस आपको देखिए मैं आपको बता देता हूं। ओके, देखिए गाइस एक 1 2 3 4 5 6 7 8 गाइस नीचे से आपको क्या करना है, बिल्कुल ही डाउन में कर देना है आपको नीचे से 9वें नंबर पे। आपको बता दे रहा हूँ, नीचे से आप गिनते जाएंगे जैसे कि लॉग आउट नोटिफिकेशन सेव्ड जो भी एड्रेस आपको ऑप्शन मिलेगा, आपको 9वें नंबर पे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज पासवर्ड का। गाइस मैं जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करता हूँ देख सकते हैं गाइस फिर से यहाँ पर हमारी डिस्प्ले आ चुकी होगी। ठीक है, और मैं स्क्रीनशॉट बार बार इसलिए ले रहा हूँ गाइस, हो सकता मैं ये चेक कर रहा हूँ कि देखें मेरी डिस्प्ले कहाँ तक हो रही है। ठीक है, मतलब कहाँ तक रिकॉर्ड हो रही है। तो गाइस आपको अगर करंट पासवर्ड के अंदर आपको ओल्ड पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, अगर आप कुछ लोग होंगे गाइस जो भूल चुके उनके लिए भी बताऊंगा, लेकिन जो बदलना चाहते हैं सिर्फ मैं अभी उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है गाइस, आपको करंट पासवर्ड में मतलब का जो भी यार क्या बोलूं मतलब यार, तो गाइस यार देखिए मतलब यार मेरे मतलब मुँह में यार थोड़ी सी दिक्कत हो रही है यार, तो इसलिए बोलने में यार वो हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझको यार ठीक है तो यार एडजस्ट कर लेना, समझ लेना भाई, जो कि यार मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैंने परसों भी वीडियो को ऐसे ही मिस किया था यार, इसीलिए मतलब मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि मुझसे यार बनाई नहीं गई थी उस दिन वीडियो। ठीक है, तो आपको पासवर्ड नए पासवर्ड को दोनों जगह डाल के आपको क्या करना, अगर गाइस आपको पासवर्ड किसी ने मतलब जैसे लॉग आउट आपने कर रखा है किसी मतलब सॉरी मतलब लॉगिन कर रखा है किसी के मोबाइल के अंदर, गाइस अगर आप इस टिक को रहने देंगे और आप दोबारा से पासवर्ड को जैसे ही चेंज करते हैं तो गाइस यहां पर लिखा है कि लॉग मी आउट फ्रॉम ऑल ऐप एंड डिवाइस। गाइस जितने भी मतलब ऐप में आपने लॉगिंग किया हुआ है या फिर वो किया हुआ है ठीक है मतलब डिवाइस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा सबके में से। गाइस आपको क्या करना है, इस टिक को यहां से हटा देना है। आप जैसे इस टिक को हटा देंगे गाइस आपका जो पेटीएम जहाँ पर जहाँ कहीं भी लॉगिंग है वो लॉगिंग की लॉगिंग ही रहेगा। ठीक है, और आपका पासवर्ड है चेंज हो जाएगा। गाइस देखिए कुछ लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही भूल चुके हैं, तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जो भूल चुके हैं अगर वो पेटीएम के अंदर लॉगिंग है तो आप यहाँ फॉरगॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर अगर गाइस जो मतलब जो भी लोग हैं वो लॉगिंग नहीं है ना, तो गाइस आपको सिर्फ पेटीएम नंबर को इंटर करके ठीक है वहाँ से आपको कर लेना फॉरगॉट पासवर्ड को, आपको वहाँ पर भी ऑप्शन मिलता है। गाइस हम जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे नंबर पे एक ओटीपी कोड आएगा, ओटीपी कोड भेज देना। ठीक है,
तो गाइस जैसे हम ओटीपी कोड को यहाँ पर ओटीपी कोड आने तक ऑटोमेटिक ही भर जाएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर दोबारा से वहाँ पर नया और मतलब दोनों जगह नया पासवर्ड एंटर करके सेव कर देना है। गाइस आपका पेटीएम फाइनली यानी आपका पेटीएम का पासवर्ड है वो फाइनली चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और फटाफट से यार हमारे 4K कंप्लीट कराओ। आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहूँगा ऐसे ही, लेकिन यार अभी हो सकता है यार मतलब बोलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो गाइस मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय।